हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू, 75 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन करने का है निर्देश। जी हां दोस्तों, भारत में फैल रही बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों मरीजों की संख्या बढ़कर 324 के पार पहुंच गई है और लगभग ताजा मिली रिपोर्ट के अनुसार 370 हो गई है, जबकि दोस्तों इससे जान गंवाने वालों की तादाद 7 को पार कर गई है। दोस्तों इस बीमारी से लड़ने के लिए आज जनता के लिए जनता का कर्फ्यू लगाया गया है। दोस्तों यह कर्फ्यू आज रात 9 बजे तक के लिए लगाया गया था, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ शहरों में इसे कल सुबह तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों पूरे तमिलनाडु में कल सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, जबकि नोएडा में इसे कल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश की जनता अपने अपने घरों में बैठी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन और बाजार पूरी तरह से खाली है। दोस्तों भारत में मृतकों की संख्या बढ़ती देखकर केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि देश के 75 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाए। ये 75 वो जिले हैं जहां इस बीमारी के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है, किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 5% किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा दर्शन के लिए बंद कर दिए जाएं। नोएडा में बस सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों इस बीमारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर पूरे देश में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों नोएडा में जनता कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, बीमारी की वजह से यात्री ट्रेन सेवाएं 31 मार्च तक रहेंगी बंद। जी हां दोस्तों, इस भयानक बीमारी की वजह से पूरे देश में 31 मार्च तक यात्री रेल सेवाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। दोस्तों रेलवे के अनुसार लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे ने बताया कि रद्द ट्रेनों की सूची में कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे, उपस्तरीय ट्रेनें भी शामिल हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो ट्रेन 22 तारीख से 4 घंटे पहले चलनी शुरू हुई थी अपने गंतव्य स्थान तक का सफर पूरा करेगी, उसके बाद उनकी 31 मार्च तक उनकी सेवाएं रोक दी जाएंगी। दोस्तों हालांकि मालगाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। रेलवे ने कहा है कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी, उनकी सेवाएं नहीं रोकी जाएंगी। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि इस बीमारी के संक्रमण का प्रसार न हो सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जनता कर्फ्यू के दिन धरना स्थल पर पहुंची सिर्फ 4 से 5 महिलाएं, जूते चप्पल रख जता रही है विरोध। जी हां दोस्तों, शाहीन बाग में नागरिकता कानून यानी कि CAA और NRC के विरोध में 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों बढ़ते बीमारी के प्रकोप और संक्रमण के कारण PM नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील से इस विरोध का स्वरूप बदल गया है। दोस्तों रविवार को जनता कर्फ्यू के कारण मौके पर 4 से 5 महिलाएं ही पहुंची, बाकी ने धरना स्थल पर अपने अपने जूते और चप्पल रखकर विरोध जताया। प्रदर्शन स्थल पर पहुंची महिलाओं ने बताया कि वह भी शाम 5 बजे CAA, NRC और NPR के खिलाफ ताली बजाएंगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि अगर जनता कर्फ्यू जारी रहता है तो धरना इसी तरह चलता रहेगा। दोस्तों शाहीन बाग में स्थित धरना स्थल पर 22 मार्च को बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। इस पर लगा है कि रात 9 बजे के बाद प्रवेश होगा, धरना जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शाहीन बाग में महिलाएं दिसंबर 2019 से CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रही है। बीच सड़क पर टेंट लगाकर धरना देने के कारण आवाजाही महीनों से ठप है। ऐसे में यह मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मसले को निपटाने के लिए वार्ताकार भी नियुक्त किए हैं, लेकिन अभी तक वार्ताकार धरना प्रदर्शन को खत्म कराने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सिंधिया समर्थक सभी 22 पूर्व विधायकों ने थामा BJP का हाथ, 12 दिन बाद लौटे भोपाल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी और सिंधिया समर्थक 21 पूर्व विधायकों ने 12 दिन बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखा है। बेंगलुरु से पहले चार्टर प्लेन से वे दिल्ली पहुंचे और सिंधिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा
नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। विधायकों ने यहां पहुंचते ही सबसे पहले विक्ट्री का साइन दिखाया। इन विधायकों को बीजेपी में आने से पहले बिसाहूलाल साहू भाजपा में पहले ही शामिल हो गए थे। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे इन पूर्व विधायकों ने सबसे पहले अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, फिर सिंधिया के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष के घर पर पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों के लिए सरकार ने खोली तिजोरी, 41,000 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के असर को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 40,995 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए केंद्र सरकार 40,995 करोड़ रुपए देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें से एक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हम अगले 5 साल में इसके लिए 40,995 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी की फार्मा कंपनियों से अपील, कहा उत्पादन बढ़ाएं और सप्लाई सुनिश्चित करें। जी हां दोस्तों, इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि उनके लिए ये उत्पादन बढ़ाने का समय है। इन फार्मा कंपनियों ने पीएम मोदी को आश्वस्त किया कि देश में जरूरी दवाइयों और मेडिकल कमोडिटीज की पर्याप्त सप्लाई है, चिंता करने की कोई बात नहीं। केमिस्ट एंड फार्मा कंपनियों ने सरकार को आश्वस्त किया कि वो इस संकट की स्थिति में लगातार काम कर रही हैं। कंपनियों ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है और 24/7 सप्लाई को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। IMD ने किया हाई अलर्ट जारी, हो सकती है गरज चमक के साथ बारिश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। इससे आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता सुधर सकती है। केंद्र चालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होगी। मध्य भारत में 25 मार्च से तेज बारिश हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पानी से सस्ता हुआ कच्चा तेल, आई 29 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में थमती बिजनेस इक्विटी की वजह से घटी डिमांड और सऊदी अरब, ईरान और रूस के बीच प्राइस वॉर के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। ये साल 1991 के बाद की किसी भी सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते क्रूड की कीमतों में 11% की गिरावट आई थी। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर $27 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं। इस भारी गिरावट के बाद कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, भारत अपनी जरूरत के 83% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है और इसके लिए इसे हर साल $100 अरब देने पड़ते हैं। कमजोर रुपया भारत का आयात बिल और बढ़ा देता है और सरकार इसकी भरपाई के लिए टैक्स दरें ऊंची रखती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। RBI जल्द करेगा आदेश जारी, चेंज होगी बैंकों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग। जी हां दोस्तों, संक्रमण की दहशत को देखते हुए बैंकों के कामकाज को घटाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है और इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी किए जाने की बात कही है। संक्रमण से बचने के लिए कम से कम लोगों से कॉन्टेक्ट रखने के लिए बैंकों के लिए दिशा निर्देश
जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ सैनिटाइजर और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं से शाखाओं को लेस किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ग्राहकों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन करे। इन्हीं प्रयासों के अगले चरण में बैंकों के कामकाज को सीमित किया जाएगा। इसके तहत बैंकों के कामकाज के घंटे घटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें ग्राहकों के साथ साथ बैंकिंग कामकाज को 2 से 3 घंटे तक घटाया जा सकता है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।